हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मेन टॉपिक कैसे बुक एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 33 और 34। देखिए प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित को मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 33 को एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। बोल रहा है टेन 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री, बट्टा में कॉट 40 डिग्री प्लस में कॉस सेक 40 डिग्री और प्लस में कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस सेक 50 डिग्री। इस वीडियो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे टेन 50 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 50 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन टेन थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 50। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 50। ठीक है, इसी तरह से आगे यहाँ पे लिख सकते हैं सेक को, हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री और माइनस का 50 डिग्री। लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला से, थीटा का वैल्यू इतना है तो ये भी हो जाएगा इतना, और बट्टा में यहाँ पे कॉट 40 है तो कॉट 40 रहने दीजिए, प्लस में यहाँ पे क्या है? कॉसेक 40, तो कॉसेक 40 डिग्री रहने दीजिए। ठीक है, फिर प्लस में क्या है यहाँ पे? कॉस 40 डिग्री, तो कॉस 40 डिग्री रहने दीजिए, और इंटू में क्या है? कॉसेक 50 डिग्री, तो कॉसेक 50 डिग्री रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 डिग्री में से यहाँ से 50 घटा देंगे तो कितना आएगा? कॉट 40 डिग्री, और प्लस में क्या हो जाएगा? कॉसेक, यहाँ पे 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 डिग्री, और बट्टा में हमारा क्या रहेगा? वही कॉट 40 डिग्री जो है हमारा लिखा हुआ, कॉट 40 डिग्री, और प्लस में क्या है? कॉसेक 40 डिग्री, और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा? देखिए कॉस को हम लोग किसी एक में चेंज कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस का क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक 50 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये मतलब ऊपर में बराबर है और नीचे में बराबर, तो हमारा कट जाएगा कितना? मतलब 1 मतलब, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हटाएंगे तो कितना आएगा? साइन 50 डिग्री आएगा ना, और ये कॉसेक 50 डिग्री, तो साइन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे 1 1 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कॉसेक 65 डिग्री प्लस में थीटा है, फिर है माइनस सेक 25 डिग्री माइनस का थीटा है, फिर माइनस का टेन 55 डिग्री माइनस थीटा, प्लस में कॉट का 35 डिग्री प्लस का थीटा। देखिए थीटा को, ये 65 प्लस थीटा को पूरा थीटा का वैल्यू मानिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? ये कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक सेक 90 डिग्री और माइनस का 65 डिग्री और प्लस का थीटा लग दीजिए, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा इसका, है ना। उसके बाद माइनस यहाँ सेक को लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री और माइनस का 25 डिग्री और माइनस का थीटा रख दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखिए, टेन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री और माइनस का क्या लिख सकते हैं? 55 डिग्री और माइनस का थीटा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं? टेन टेन, यहाँ पे भी लिख दिए 90 डिग्री और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 डिग्री और प्लस का थीटा, ये आपका हो गया। अब इधर में देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 में से 65 को घटा दिए तो 90 में से 65 जाएगा, यानी कि 10 में से 5 गया, कितना बचा? ये बच गया 5, 8 में से चले गया यानी 25 आ गया, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यहाँ थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक, यहाँ पे लिखिए पहले कॉसेक, अब 90 में से 25 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 90 में से 25 जाएगा तो 65 आएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस थीटा, है ना। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब कॉट यहाँ लिख दीजिए तो कॉट हो गया, अब 90 में से 55 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ 8 में से 5 यानी कि 35, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो 10 है तो 10 रहने दीजिए,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 में से फिर 35 घटा दिए तो कितना आएगा 55, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और थीटा ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे एक और काम कर सकते थे आप, यहाँ कॉसेक को ना बदल करके यहाँ डायरेक्ट यही रहने देते, क्या रहने देते, यहाँ माइनस सेक 25 डिग्री और माइनस का थीटा रहने देते, और यहाँ पे माइनस ये ठीक है, इसको नहीं बदल करके बिल्कुल यही रखते, ये नहीं बदलते, और ये वही बात रख देते, क्या रख देते, कॉट 35 डिग्री और प्लस का थीटा रहने देते, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा कर दिए हैं, और ये से ये कट गया हमारा आ गया 0, और ये से ये कट गया हमारा आ गया 0, यानी कि हमारा कितना आएगा वैल्यू, हमारा 0 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।